एक का प्राइस है 2000 रुपए। ये एरिया चर्चित है, यहाँ पर 100+ नॉनवेज के आइटम मिलते हैं और इतने सारे आइटम एक जगह पे मिलना मेरे हिसाब से तो बड़ी बात है। तो चलिए एक बार वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर नॉनवेज में क्या क्या आइटम बिकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आपको एक पक्षी दिखाई पड़ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? ये आता है पांडिचेरी से। पांडिचेरी से आता है, ये छोटा छोटा बच्चा आता है, इसको हम लोग रख के बड़ा करते हैं। अच्छा, तो इसको खाया जाता है? हाँ, इसको खाने के लिए इसका पर किलो है 2000 रुपया। अच्छा, 1 किलो 2000 रुपए का आता है। हाँ, और इसको बड़ा वाला पूरा लाइव बार लेने से वो 70,000 का, वो 50,000 का है। जो हड्डी में जो रस है वो बहुत बुजुर्ग लोगों को काम देता है। हमारे यहाँ पे दो टाइप का डॉग है, एक जो व्हाइट डॉग है, एक जो देसी डॉग है। दोनों का ये है, ये थोड़ा गर्मी का महीना में खाने के लिए अच्छा नहीं है। ये गर्मियों में नहीं खा सकते? गर्मी में खा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, हम लोग इसे खाते हैं। ये पर पीस 600 रुपया है, पर पीस 600 रुपया है। ये कॉकरेल है ना, टाइट लगता है इसका मीट। अच्छा, जो अंडा देते हैं, जो लियार आता है उसका ब्रीडिंग कराते हैं इसके साथ। इसका पर किलो है 450 रुपया। ये है आपका कड़कनाथ, उड़ीसा में ये हो रहा है, इसका कोलेस्ट्रॉल पावर 1% है। ओके। इसका ये उड़ीसा में ज़्यादा बिकता है? हाँ, ये प्रोटीन हैवी प्रोटीन है, जितना भी मुर्गा है हैवी प्रोटीन है। कितने रुपए की? ये 600 रुपया किलो है पर किलो। ये मयूरभंज है ना, मयूरभंज से जो लड़ाई फड़ाई करते हैं वही वाला है, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। उसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे मयूरभंज हैन बोलते हैं उड़िया में, नहीं तो ये आपका लड़ाई वाला लड़ाई हैन बोलते हैं। ये पर किलो 500 रुपया है। इसका देख रहे हो तो उसका कितना बड़ा बड़ा नाखून देखो, कितना बड़ा नाखून देखिए, 4.5 किलो का है। ये हंसली हैन है, देसी का नीचे वाला ब्रांड है। इसका पर किलो है 500 रुपीज़। अच्छा, इसका सॉफ्ट रहेगा इसका मीट। ये आपका आ गया राजधानी का बहुत बड़ा फेमस हैन, ये आपका बनराज हैन है, बैलर का ऊपर वाला ब्रांड। ये बैलर खाओ या इसको खाओ, सब समान है, बट बैलर का ऊपर है। इसका बार किलो होता है 220। बस 220 लाइव बार। ये लेयर हैन है, आपको पहले से बोला था, जो व्हाइट वाला है ना आप लोग को दिखाया ककरेल है, ये है फीमेल इसके। अच्छा, उसी का फीमेल है। हाँ, फीमेल है, इसको लियार बोलते हैं, इसके साथ ब्रीडिंग कराते हैं। हो गया, इसका पर किलो है 220 रुपया। ये थोड़ा टाइट रहेगा उसी के साथ। ये आपका आ जाता है गुंडरी, गुंडरी बोलते हैं, गुंडरू बोलते हैं। ये देखिए, आइए अंदर आइए, ये बहुत नहीं खपने से ये बहुत उड़ता है, इसको देखिए आइए। ये उड़ जाता है। हाँ, देखो तो अंडा दे दिया है, ये अंडा देता है। देखो अभी जस्ट रिसेंटली दिया है, उसका लगा भी हुआ है और शायद कहाँ कहाँ भी दिया होगा, चेक करना पड़ेगा। वो देखो उधर दे दिया, इधर दे दिया, देखो 2 पीस देख रहे हो तो। अच्छा, तो इन अंडों का भी यूज हो जाता है क्या? हाँ, ये पर पीस 500 रुपीज़ बेचते हैं हम लोग। पर पीस 500 रुपीज़ अंडा। हाँ, एक दर्जन को 50 रुपीज़। अच्छा, एक दर्जन के 50 रुपये। हाँ, ये देखिए, ये रैबिट, इसको अभी पहले लोग बोलते हैं इसको सुबह देखने से अच्छा नहीं है, अभी इसको लोग चाहते हैं जो अभी खा लेते हैं। हो गया, देखिए इसको भी खा लेते हैं। हाँ, अभी खा लेते हैं। इसका पर पीस है 600 रुपया। अच्छा, 600। ये टर्की है, जैसा हम लोग का उड़ीसा में, बट इंडिया में जैसे मुर्गा मुर्गी बोलते हैं, ये अमेरिका का मुर्गा है ये टर्की। इसका क्या रहता है? इसका रहता है पर किलो 1000 रुपीज़। पर किलो 1000। ये देखिए हंस, इसको बोलते हैं हम लोग इधर राज हंस। इसका पर पीस है 2500 रुपया, 2500 रुपया पर पीस। अच्छा, एक पीस 2500 का। हाँ, यहाँ पे लोग खाने के लिए तो लेते नहीं है, बट ये पालने के लिए लेते हैं। अच्छा, बहुत शौकीनी प्यारी लगती है मुर्गा, इसको खाने के लिए तो लोग लेते नहीं है, बट पालने के लिए लेते हैं। देखिए ये सब देख रहे, उसका सब तरफ पैर में भी बाल है, सब तरफ बाल है। देखिए जहाँ बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगता है। इसका पर पीस है 1000 रुपया। भैया देखिए, इसको बोलते हैं चाइना हैन, आइए दिखा रहा हूँ अंदर में। बहुत चिल्लाते हैं, बहुत उड़ते हैं, बहुत स्पीड होते हैं, इतना बड़ा पीस आप तो देख रहे हो, इसको पकड़ना बहुत पूरा मुश्किल हो जाता है। देखिए 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 देखिए, चाइना हैन, चाइना का हैन। बहुत प्यारा लग रहा है देखने में।
देख दो रे इसका पर पीस रहता है कितना, 600 रुपया। ये एक चीज है, ऐसा जगह है, कोई चीज यहाँ पे नॉनवेज चीज जितना जिंदा देख रहे हो कोई यहाँ पे जिंदा जाने वाला नहीं है, सब खा के जाएंगे, सब मर के जाएंगे। एक चीज है जो चीज हम बोल दिए, हंस जो बोलते हैं सावन, वो सब हम लोग नहीं मारते। इसका नाम मिल्की कार्प है, इसको ऐसे हाँ क्योंकि ये आपस में लड़ाई कर देते हैं और आपस में ही मर जाते, तो इसीलिए इनको अलग अलग से बांध कर रखा गया है। गुंडरी एग है जो आप वहाँ पे दिखे थे, गुंडरी एग ये उनका अंडा है। हाँ, कितने ये का रहता है? एक दर्जन 50 रुपीस। ये डबल केसर एग है, इसका मुर्गी सिर्फ अंडे के लिए पालते हैं हम, मतलब दो ही केसर निकलेगा इसमें से। अच्छा, इसके अंदर दो जो येलो कलर का होता है वो येलो पार्ट दो निकलेगा। ओके, ये कितने का रहता है? ये पर पीस 10 रुपए का। कड़कनाथ एग है जो वहाँ पे ब्लैक कलर का मुर्गा दिखे थे हम, हाँ उसका अंडे है ये। ये भी देसी है, देसी एग अंडा, वो ये भी 100 रुपए का है। हाँ, ये प्योर देसी एग है, मतलब जो देसी हेन है, हाँ। लोकल हेन, उसका okay. अंडा है ये 20 रुपीस का। हाँ, ये डक एग, ओके डक का एग है, ये पर पीस 20 रुपीस। ये बहुत रेयर मिलता है और ये ऑर्गेनिक एग है, मतलब ऑर्गेनिक जो बनाया जाता है, बनाया जाता नहीं, ये भी एक तरीके का मुर्गा मुर्गी है ऑर्गेनिक, जिसको ऑर्गेनिक सामान खाने के लिए मिलता है। ये सारे नॉर्मल एग है जो हम डेली फूड में खाते हैं। इसका प्राइस एक ट्रे में 30 अंडे है और ये पड़ता है 170। ये हमारे एमओ का एग है जो बड़ा वाला बार दिखे थे आप वहाँ पे, उसका एग है। ये है मेन अट्रैक्शन यहाँ का, मतलब लोग इसको देखने के लिए दूर दूर तक आते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इतना बड़ा एग है और ये बहुत रेयर मिलता है यहाँ पे उड़ीसा में। हम कलेक्ट करते हैं इसको, लोग पसंद भी करते हैं और ये एक का प्राइस है 2000 रुपये। ये हंस का एग है, वहीं पे आपको हंस भी दिखे, हाँ उसका अंडा है। ये भी थोड़ा बड़ा है साइज में, इसका 2000, इसका भी प्राइस है एक अंडे का। हाँ हाँ, एक अंडे का 200 रुपये। और ये टर्की के एग है जो आप दिखे थे वहीं पे, एक पीस 100 का है, क्योंकि ये उड़ीसा में हर जगह नहीं मिलता है। मुर्गा लेके आओगे वहाँ पे, उस दिन करोगे वहाँ पे जो मशीन है वो जो बोलेगा गर्म पानी, उसका स्किन रहेगा गर्म पानी में पहले डालेंगे, डाल के उसके बाद मशीन में डालेंगे, मशीन में डाल के उसका पूरा क्लीन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रख के उसको फायर करेंगे, इसी से फायर करेंगे। ओके, आगे उसको यहाँ पे कटिंग होगा, यहीं पे कटिंग होगा। ये लाइव क्राफ्ट्स है, देखिए यहाँ पे आपको लाइव क्राफ्ट्स मिल सकते हैं। ये क्या रहता है इसका प्राइस? इसका प्राइस 500-600 ऐसे किलो रहता है इसका। अगर एक चाहेगा कि इधर से उधर जाने के लिए, और जो नीचे होगा वो उसका टैंक खिंचाई करेगा और वो भी गिर जाता, मतलब मैं नहीं जाऊंगी तो तुम भी नहीं जाओगे। ओके, मतलब एक दूसरे को खींचने वाले। हाँ, एंग्री मूड में है सब के सब। आप अगर हाथ डालोगे तो काट भी लेते हैं। हाँ, और ये उड़ीसा का फेमस ड्राई फिशेस है, मतलब इसको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ उड़ीसा में नहीं बाहर भी लोग इसको खाते हैं ड्राई फिशेस। ये अलग अलग टाइप की? हाँ, अलग अलग टाइप का है। इसका 60 रुपीज़ है, सब पैकेट करके हमने रखे हैं, जो कि कस्टमर्स बेनिफिट पाते हैं, उनको खुले में लेके नहीं जाना पड़ता है।
वो पैकेट में लेके जाते हैं। जिनको फिकल खाना है नॉनवेज का, वो इसको भी लेते हैं, यूज़ करते हैं। हम भी यूज़ कर चुके हैं इसको, अच्छा है टेस्ट में।